और बच्चा लोग कैसे हो सब? चलिए आज कुछ करते हैं नई सी ट्रिक। संतरे की कैंडी तो बच्चों कई लोगों ने बनाई होगी, आपने भी कई शायद वीडियो देखे भी होंगे, लेकिन कई कैंडी कड़वी होती हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, चीनी डालकर उसे पकाते हैं, लेकिन फिर भी खाने में वो कड़वी होती हैं। लेकिन आज जो कैंडी बनाएंगे वो बिल्कुल कड़वी नहीं होगी, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगी। कैसे बनेंगी चलिए चलते हैं। हाँ, तो संतरे इस वक्त सीजन के बहुत अच्छे आ रहे हैं। संतरे या कीनू मतलब थोड़े ऑरेंज कलर के जो होते हैं, बहुत ही टेस्टी आ रहे हैं, मीठे आ रहे हैं, हमें खाने चाहिए। ख़ास तौर से कोविड में तो हमें विटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में हम जूस निकालते हैं या हम ऐसे ही खाते हैं, लेकिन उसकी जो छिलके हैं, जो पील है हम संतरे का, हम उसे फेंक देते हैं। इन छिलके को हम फेंक कर बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये छिलके हमारे बहुत काम आते हैं, हम आगे भी आपके लिए ये वीडियो बताएंगे। इस छिलकों को आप सुखा कर भी रखिए मेरे साथ साथ, मैं भी अभी काफ़ी सारे छिलके को सुखाने के लिए रख दिए हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे इन छिलकों से संतरे की कैंडी, बहुत ही अमेजिंग बनेंगी। चलिए कैसे बनाएं ये शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पिलर ले लीजिए और संतरे की पील जो ऊपर वाली हटा दीजिए। ये देखिए पतली पतली जो है ना ये पील, ये आप सुखा दीजिए। इसे कहीं भी धूप में या छाया में आप रख देंगे, ये बिल्कुल बढ़िया ये सूख जाएगा। ये हम वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी चलते हैं पहले इन संतरों को लेते हैं। यहाँ ऊपर से एक छोटा सा पार्ट हटा दीजिए और यहाँ पर नाइफ से कट करते जाइए। अब संतरे का जो ये वाला पार्ट है ना, जो ऊपर का छिलका जो है, इसे हमें हटाना है। इसी से हम कैंडी बनाने वाले हैं। संतरे को हमें कुछ नहीं करना है, संतरा आप यूज़ कर लीजिए। ऊपर का पील हमने हटा दिया है, अब ये जो मोटा वाला पार्ट है इसी से हम कैंडी बनाने जाएंगे। और मैं दो तरीके से कैंडी बताऊंगी कि कौन सी कैंडी में कैसे क्या चेंज होता है, इसलिए आप पूरा देखिए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। सारी मैंने इसको पील कर दिए हैं संतरों को, और ये जो मोटा वाला पार्ट है ये मैंने ले लिया है। यहाँ मैं एक नॉर्मल संतरा ले रही हूँ और उसका ऊपर वाला पील नहीं हटा रही हूँ। इसको डायरेक्ट ही कट करके इसका मोटा वाला पार्ट मैं अलग कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब संतरे आप यूज़ कर लीजिए, इनके जो हमने मोटे वाले पार्ट ये जो छिलके हटाए हैं उन्हें हम लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। चाहे तो आप मोटी भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे पतली पतली कैंडी टाइप पसंद आती हैं। ये कैंडी हमारे बहुत काम आती हैं, बच्चों को बेहद पसंद आएंगी क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी। आप किसी केक्स में डाल सकते हैं, पुडिंग में डाल सकते हैं, आइसक्रीम में डाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला रख दिया है जिनमें ये सारे मैंने जो मोटे मोटे छिलके मैंने हटा दिए थे, जिन्हें मैंने स्ट्रिप कर लिया, उन्हें मैं बॉयल कर रही हूँ। और ये जो अलग से भी काटा है ना एक संतरा, इसका मैं बाद में बनाऊंगी, बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊंगी। अभी बनाऊंगी तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला करके दिखा रही हूँ, वो मैं इसी तरीके से करके आपको बाद में दिखा दूंगी। जब ये संतरे की छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम गैस बंद कर देंगे। यहाँ मैं स्ट्रेनर से ये सारा पानी निकाल देती हूँ, ये काफ़ी कड़वा पानी होता है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आधा कप चीनी ले रही हूँ और ये जो तीन संतरे के छिलके हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक से डेढ़ संतरे का जूस निकाल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पानी यूज़ कर सकते हैं, पर यकीन मानिए अगर आप जूस डालेंगे तो ये बिना पानी की बनेंगी और काफ़ी लंबी चलेंगी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगी। ना तो हमें कोई कलर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई एसेंस। आप गैस ऑन कर दीजिए, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डालिए, बस अपने आप ही इन्हें उबलने दीजिए। बस एक दो बार ऊपर नीचे करते रहिए। ये देखिए इस तरीके से इन्हें पकने दीजिए। अब बिल्कुल एक या दो चम्मच इसके अंदर सिरप रह गया है। अब गैस बंद करके इन सारी कैंडीज़ को निकाल लीजिए। कैंडीज़ कैसे रखनी है, जैसे एक कोई थाली ले लीजिए और दूध छानने वाली जो छन्नी होती है उस पर रख दीजिए। अगर ऐसी आपके पास नहीं है तो आटे की छन्नी में भी रख सकते हैं या किसी पॉलीथीन के ऊपर भी रख सकते हैं। पर छन्नी में रखने से फ़ायदा ये होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसे हवा मिलती है। यहाँ पर मैं दोनों छन्नियों में इसे रख रही हूँ।
और जो मैंने छिलके समेत कैंडी को काट के रखा है वो मैं इसी तरीके से बना के रखूंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए, मुश्किल से एक दो चम्मच सिरप बचा है और ये इतना टेस्टी है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर यूज़ कीजिए शरबत की तरह। अब इस कैंडी को 4 से 5 घंटे इसे हवा लेने दीजिए। धूप है तो थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं, वरना छाया में ही पड़ी रहें बहुत अच्छी बात है। बस लास्ट में हल्की चिपचिपी रह जाएँ इतनी हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए, हमने उन कैंडीज़ को 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। चाहे आपके पास धूप हो या ना हो, ऐसे भी रख सकते हैं। ये अच्छे से सूख गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से सूखी हुई नहीं चाहिए। ये और देख लीजिए, जो छिलके समेत मैंने बनाई थी वो भी इस तरीके से हैं। बस थोड़ा कलर का चेंज है और टेस्ट का भी चेंज होगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या चेंज होगा। यहाँ पर हम एक प्लेट लेते हैं। इस पर या तो आप पीसी चीनी ले लीजिए, या बारीक चीनी ले लीजिए, या मार्केट में जो मिलता है कैस्टर शुगर वो ले लीजिए, और उसमें आप इस तरीके से रैप कर लीजिए। ये कैंडी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अब क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है चाशनी में, तो ये काफ़ी लंबी चलेंगी और बहुत ही टेस्टी हैं। बिना कलर डाले, बिना एसेंस डाले, बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। ये नेचुरल कलर है इनका, बहुत ही प्यारा है। ये बनकर इस तरीके से तैयार हो गई हैं। अब ये वाली देखिए, इनका कलर कैसा आता है। ये छिलका ना हटाने की वजह से इनका कलर तो बहुत ही प्यारा आएगा, उनसे ज़्यादा अच्छा ऑरेंज आएगा, लेकिन खाने में ये हल्की सी कड़वाहट रहेगी। तो कई बच्चे कड़वी थोड़ी नहीं खाना पसंद करते, तो जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके की बता दी है। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा अलग आया है, डार्क कलर है, क्योंकि इसकी स्किन हमने नहीं हटाई थी। ये देखा आपने। तो बस ये कैंडी बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें आप इंजॉय कीजिए, इस तरीके से बनाकर रख लीजिए, और काफ़ी लंबी ये चलेंगी। विटामिन सी भरपूर है इसके अंदर, टेस्टी है तो हेल्दी भी हैं। इन्हें जब खाने के बाद आपका मन करे इन्हें कैंडी की तरह खा सकते हैं। इन्हें आप बच्चों को भी खिलाइए, बहुत पसंद आएगा। आप इसे केक्स में डाल सकते हैं, पुडिंग में डाल सकते हैं, आइसक्रीम में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।